हो गया, स्टार्ट हो गया। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट के एम क्लासेस में। मैं हूं विमल प्रताप सिंह और आज हम लोग आ गए हैं आप सभी के साथ गुड नाइट सीरीज के नंबर 35 के साथ। तो गुड नाइट सीरीज अभी बेसिकली ये वाला लेक्चर डेडिकेटेड होगा गेट केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन के लिए। तो जो लोग गेट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज की इस क्लास में आप सीखोगे कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का ये लेक्चर आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं भी पढ़ रखी है तो भी ये वन टाइम लेक्चर सबके लिए होने वाला है। इट मींस कि अगर आपने स्टैट पढ़ी है तो भी ये लेक्चर आपको देखना बहुत जरूरी है। इट विल गिव यू अ क्विक रिविजन ऑफ द चैप्टर एंड इट विल गिव यू द मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड and that are going to be in gate 2021 examination. So type of questions you will learn some important type of questions of statistical thermodynamics. So statistical thermodynamics ka bahut hi important type ke questions aaj is lecture ko dekhne ke baad aap seekh jayenge. To jaldi jaldi pehle is lecture ko sabke sath share kar dijiye, uske baad hum is class ko start karte hain. Aur jin logon ne stat nahi bhi padhi hai wo bhi ye lecture zarur dekhe, ki agar unhone ye lecture dekh liya to aap क्वेश्चन करके आओगे, सारे के सारे क्वेश्चन करके आओगे। सो इट विल बी अ वेरी गुड पॉइंट फॉर दिस लेक्चर कि आप अगर इस लेक्चर को देखते हैं तो मैंने देखा है पिछले 5 सालों में जो गेट के क्वेश्चन पेपर आए हैं, 5 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस लेक्चर से कंप्लीट हो जाएंगे। तो होपफुली आप इस लेक्चर को देखेंगे, नहीं देखेंगे तो बाद में भी इसे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस लेक्चर को देखकर अपने लिए कुछ बेनिफिट पा सके। हेलो कुंतला, हेलो गुड इवनिंग रितिका, पूजा, दिव्या, योगेश, अंकित, तनु, गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग। पहले चलिए भाई जल्दी जल्दी लेक्चर को शेयर कर दीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर, पिछली बार नहीं आया था लेकिन इस बार बहुत ज्यादा आने वाला है गेट में। उससे पहले 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो चलिए जल्दी जल्दी सब शेयर कर दीजिए सेशन को, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई, आप लोग ये भी बता सकते हैं मुझे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मसूद, गुड इवनिंग। तो जल्दी जल्दी भाई शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, सबको बुला लीजिए क्लास में, जितने स्टूडेंट्स हैं उनको ही बुला लीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट ही करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेगा। चलिए भाई मैंने तो शेयर कर दिया है, अब आप भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छी चल रही पढ़ाई, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। एवरीडे आया ऐसे ही टॉपिक क्लास होगी क्या? यस योगेश, हर दिन गुड नाइट क्लासेस होंगी। आज हम लोग गुड नाइट नंबर 35 के साथ आप सभी के साथ आकर जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के। पहले मैं आपको लेक्चर कुछ जो सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप आज सीख जाओगे, और इसके अलावा चैप्टर का एक बेसिक नॉलेज लेना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है स्टैट में, क्योंकि अगर आपने वो नहीं समझा, कुछ बेसिक पॉइंट्स अगर आपके क्लियर नहीं है स्टैट में तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत होती है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप सभी के लिए नोट डाउन किए हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में कि बेसिकली आप लोग जुड़े रहिए, 30 डेज स्ट्रेटजी बना दीजिए, बना देंगे 30 डेज स्ट्रेटजी, बना देंगे। तो अभी आपसे बातें करेंगे, पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं, उसके बाद बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो स्टैट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्टैट को बेसिकली पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इस लेक्चर में कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दे के जाऊंगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अगर उतने भी अगर आप समझ गए तो आप गेट के सारे क्वेश्चंस करके आ जाओगे, नेट के भी सारे क्वेश्चंस करके आ जाओगे, इस बात की गारंटी रहती है। तो सबसे पहले आपको आइडिया थोड़ा सा मैं दे दूं, जितना टफ टॉपिक नहीं है ये। आइडिया क्या है कि बेसिक एम क्या होता है स्टैटिस्टिकल थर्मो में, तो स्टैटिस्टिकल थर्मो का बेसिक एम क्या होता है, टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम दैट विल बी इन एनी स्टेट विद अ पर्टिकुलर एनर्जी। कि मतलब अगर कोई स्टेट किसी पर्टिकुलर स्टेट में विद पर्टिकुलर एनर्जी हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, किसी सिस्टम की किसी पर्टिकुलर स्टेट में
पर्टिकुलर एनर्जी के साथ पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यही फाइंड करता है हमारा क्या स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग पहले एक एटम, उसमें एक मॉलिक्यूल को लेते हैं और फिर मॉलिक्यूल की मोस्ट प्रोबेबल स्टेट निकालते हैं कि आखिरकार उसकी हम लोग देखिए एक स्टैट एक में आपको पूरा ओवरऑल मोटा मोटी आपको आइडिया बताता हूँ कि स्टैट में आपका बेसिकली ये फंडा होता क्या है। ये फंडा अगर आप समझ गए तो आप समझ जाओगे कि हाँ क्वेश्चंस मुझे कैसे करने हैं। देखिए स्टैट में आपको क्या करना होता है कि स्टैट में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपको पहले मॉलिक्यूल को लेना होता है, ठीक है, और मॉलिक्यूल को लेकर उसको पता करना, सबसे पहले आपको यह पता करना होता है कि अगर ये मॉलिक्यूल किसी स्टेट में किसी पर्टिकुलर एनर्जी के साथ पाए जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आप सबसे पहले क्या करोगे, किसी मॉलिक्यूल को लोगे या फिर किसी पार्टिकल को लोगे, यहां पर बेसिकली पार्टिकल्स कह दीजिए, आप किसी एक पार्टिकल को आप लोगे, ठीक है, कोई एक पार्टिकल होगा जो आपके सिस्टम का एक पार्ट होगा। फिर आप क्या करते हो कि उस पार्टिकल के किसी किसी स्टेट में किसी एनर्जी के साथ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसी को आप कह देते हो पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन मतलब उससे थोड़ा रिलेटेड होता है। तो आप क्या करते हो, पहले पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पता करते हो, फिर उसके बाद उसी की हेल्प से आप पूरे सिस्टम की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पता करते हो, फिर क्या करते हो आप सिस्टम की प्रोबेबिलिटी पता करते हो जो कि उसके एक बड़े पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड होता है, और उसके बाद आप क्या करते हो उस सिस्टम की मोस्ट प्रोबेबल स्टेट निकाल देते हो, और उसी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से आप थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की तरफ बढ़ जाते हो। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना शुरू कर देते हो, तो ये एक ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए कि आप थर्मोडायनेमिक्स में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या कर रहे हैं। तो एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में आप किसी एक पर्टिकुलर एटम को पकड़ेंगे, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को पकड़ेंगे, उस पार्टिकल के किसी पर्टिकुलर स्टेट में विद पर्टिकुलर एनर्जी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे सब लोग, किसी पार्टिकल के किसी पर्टिकुलर स्टेट में विद अ पर्टिकुलर एनर्जी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप सबसे पहले ये पता करेंगे। जब आपको ये प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी तो फिर आप क्या करोगे, पूरे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी पता करोगे किसी स्टेट में पाए जाने की, फिर उसके बाद क्या करोगे आप पूरे सिस्टम की मोस्ट प्रोबेबल स्टेट निकाल दोगे, और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट निकालने के बाद आप थर्मोडायनेमिक फंक्शंस आसानी से निकाल पाओगे। ये एक ओवरऑल फंडा होता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का। इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। तो बेसिकली यहां पर क्या है, यही यहां पर लिखा हुआ है कि सबसे जो मेन बेसिक एम होगा आपका क्या, वो क्या होगा, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे सिस्टम के पाए जाने की किसी स्टेट में विथक किसी एनर्जी। अब ये कैसे किया जाए, इसका बेसिक फंडा आप क्लियरली समझ लीजिए, इसके बाद आपको स्टैट बहुत आसान लगने लगेगी। क्या है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अपना जो सिस्टम होता है उस सिस्टम की मेंटल कॉपीज देखते हैं, कि मतलब हम लोग ऐसे देखते हैं कि हमारा एक ये सिस्टम है और ये सिस्टम के पास बहुत सारे क्वांटम नंबर्स होंगे। मतलब अगर मैंने आपको एक 10 एटम का एक सिस्टम दे दिया, मतलब 10 पार्टिकल का एक सिस्टम दे दिया, पहले ध्यान से मेरी बातों को सब लोग सुनिएगा, बातें करेंगे आपसे। दिव्या मेहरा फर्स्ट व्यूअर हैं और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप ध्यान से सुनिए पहले मेरी बातों को और लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए सबके सबके साथ। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर आपके, हाँ, तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने आपसे कह दिया कि 10 पार्टिकल का एक सिस्टम है, तो आप क्या करोगे उन 10 पार्टिकल की जो क्वांटम स्टेट, क्योंकि अलग अलग क्वांटम स्टेट्स के हो सकते हैं और अलग अलग क्वांटम स्टेट्स के आधार पर वो सिस्टम बहुत ज्यादा टाइप ऑफ स्टेट्स में रह सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उस पूरे जितनी स्टेट्स पॉसिबल हैं उस सिस्टम की, उन सारी स्टेट्स के पॉसिबल स्टेट का क्या करते हैं, कलेक्शन मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल कलेक्शन मानते हैं कि चलो अगर मेरा एक एटम है, एक सिस्टम है मेरे पास, और वो सिस्टम मान लो 1000 टाइप के स्टेट्स में रह सकता है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं उन 1000 स्टेट्स का एक हाइपोथेटिकल कलेक्शन मान लेता हूं, एक 1000 स्टेट का क्या कर लेता हूं, एक मैं हाइपोथेटिकल कलेक्शन मान लेता हूं, और उस कलेक्शन को कहा जाता है एनसेंबल। उस कलेक्शन को क्या कहा जाता है, एनसेंबल। सो इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा ही टेक्निकल एक तरीका होता है, तरीका क्या होता है, फॉर दैट वी कंसीडर अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ रिजर्वायर। इन कॉन्टेक्ट विद अ रिजर्वायर मतलब कि आप ये इसलिए कर रहे हो कि वो सिस्टम की जो एनर्जी है वो सिक्योर, मतलब फिक्स एनर्जी है, सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, मतलब सारे के सारे सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, मतलब सब में जो उनके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो फिक्स हैं, ऐसा चेंज नहीं हो रहा है कि कोई सिस्टम का टेम्परेचर इधर है कुछ दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर अलग है। तो सिस्टम में ये कुछ हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ईच सिस्टम हैज सेम वैल्यू ऑफ एनवीटी, क्योंकि देखिए
अगर आपने एक सिस्टम का कलेक्शन माना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उस कलेक्शन का एक पर्टिकुलर कोई एक बाउंड्री कंडीशन आपको देनी पड़ेगी, आपको कोई एक ना कोई एक बाउंड्री कंडीशन देनी पड़ेगी, तभी तो आप सिस्टम, क्योंकि कौन सा सिस्टम आपके कलेक्शन में जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सिस्टम 1000 टाइप के स्टेट्स में हो सकता है, तो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट उस सिस्टम का पार्ट होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ कहोगे कि भैया इतने नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। मतलब आपके पास, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि 10 पार्टिकल का एक सिस्टम है, तो ऐसा कोई भी स्टेट जो उस सिस्टम की कोई एक स्टेट बन सकती है, उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, 10 एटम होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम और टेम्परेचर भी आपने माना है कि फिक्स कर रखा है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एनसेम्बल क्रिएट कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आपने सबसे पहले सोचा कि चलिए वी कंसीडर अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ रिजर्वायर जस्ट टू मेंटेन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ईच सिस्टम हैज द वैल्यू ऑफ एनवीटी, कांस्टेंट वैल्यू है, सेम वैल्यू है, एंड इट इज लाइकली टू बी इन डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स। वही बात मैंने जो अभी आपको बताई ना एग्जाम्पल देकर, समझ में आई? तो मतलब वही है कि क्वांटम स्टेट्स अलग होंगी लेकिन उनका वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल सेट होगा। तो इसी चीज को अगर आप सही तरीके से समझे, तो मैंने जो आपको आसान भाषा में समझाया है उसको मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिया। क्या ensemble is an idealization consisting a large number of mental copies of a system considered all at once, each of which represents the possible state that the real system might be in। मतलब अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एनसेम्बल क्या है, तो उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता है, तो आप तुरंत करना शुरू कर दोगे। तो इसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे, इससे पहले मैं आपको जो सबसे बेसिक फंडा है स्टेट का आपको वो पता होना बहुत जरूरी है। ये बात सबको क्लियरली समझ में आ गई या नहीं आ गई? भारत रानी, यस आई कैन रिपीट एंड आई विल रिपीट फॉर ऑल ऑफ यू। पहले आप ये बताइए कि आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं हुई। क्लास ऋतु क्लास अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, बस एक स्लाइड आगे हुए हैं हम लोग। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक एम क्या है, यही मैंने आपको अभी तक बताया है। चलिए मैं एक बार फिर से आप सभी को बताने वाला हूं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आप जुड़े, तो फिर उतना ही अच्छा लगता है क्लास लेने में भी। तो बेसिक एम क्या है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का, कि हम लोग एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टिकल, एक सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो हम लोग एक पार्टिकल को पकड़ते हैं, उस पार्टिकल के किसी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पता करते हैं, फिर हम लोग उस पार्टिकल के हेल्प से पूरे सिस्टम के एक पर्टिकुलर स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पता करते हैं, और उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पूरी स्टेट को पढ़ते हैं, जो कि मैंने यहां पर आपको समझाया कि एक स्टैटिस्टिकल में पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद सिस्टम की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद फिर हम लोग स्टैटिस्टिकल में अंदर घुस जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सिस्टम मान लेते हैं, और सिस्टम के अंदर मान लेते हैं 10 पार्टिकल हैं, और वो 10 पार्टिकल मान लो 1000 स्टेट्स में रह सकते हैं, तो वो 1000 स्टेट्स को एक साथ एक हाइपोथेटिकल कलेक्शन माना जाए, तो उस हाइपोथेटिकल कलेक्शन को क्या कहते हैं, एनसेम्बल कहते हैं। एनसेम्बल इज एन आइडियलाइजेशन कंसिस्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मेंटल कॉपीज ऑफ अ सिस्टम कंसिडर ऑल एट वंस, each of which represents the possible state that the real system might be in। वही बात है कि मतलब 1000 जो states हैं, उनमें से किसी एक state में एक real system at a given time भी होगा। मतलब अब जैसे मान लो एक सिक्का है, आप उछाल रहे हो, तो सिक्का हम मैंने क्या मान लिया कि दो states हो सकती हैं, एक या तो head आएगा या तो tail आएगा, तो head और tail वो states का collection है, और वही collection आपका क्या है, ensemble है, और actually में जो आपका system होगा या तो वो head में होगा या तो tail में होगा। ये बात सबको क्लियरली समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गया होगा समझ में, सबको समझ में आ गया होगा। तो मतलब कुल मिलाकर क्या है, अलग अलग टाइप के एनसेम्बल्स की अप्रोच हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एनवीटी किसी सिस्टम में फिक्स कर दिया, कोई एक ऐसा एनसेम्बल माना जिस एनसेम्बल में एनवीटी फिक्स है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को पीछे करके हल्का सा ध्यान से फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि आपको फोकस करना पड़ेगा, और फोकस करना पड़ेगा, दिमाग आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, तभी आप गेट में इन क्वेश्चंस को करोगे और आपकी रैंक इंप्रूव होगी। तो अगर आप, मैंने आपसे कहूं कि एनवीटी फिक्स है, इसका क्या मतलब हो सकता है, अगर इसका आप कोई एक अपना व्यू निकालने की कोशिश करें कि आखिरकार ऐसा है क्या, ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से, मतलब एनवीटी मतलब सिस्टम के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है, तो सिस्टम के बारे में प्रेडिक्ट ये किया जा सकता है एनवीटी से, इट माइट बी अ क्लोज्ड टाइप ऑफ सिस्टम, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम फिक्स है, तो सिस्टम कहीं ना कहीं एक क्लोज सिस्टम रहा होगा। तो ये बात रही, बस इतनी सी मोटा मोटी बात बता रहा हूं। आप चलिए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चंस पर आने से पहले अब आपको बता देता हूं कि एनसेम्बल तीन टाइप के आपके पास, इसी तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोग तीन एनसेम्बल्स पढ़ते हैं। ये तीन एनसेम्बल्स हमारे सामने आते हैं। अब एनसेम्बल समझ में आ गया ना,
तो आप किसी ने सोचा कि नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स कर दिए रहे हैं, किसी ने सोचा नहीं नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स ना किए रहे हैं, चलिए पोटेंशियल फिक्स कर देते हैं, मतलब पार्टिकल्स चेंज हो सकते हैं, अंदर बाहर आ जा सकते हैं सिस्टम के अंदर, लेकिन उनका जो ओवरऑल सिस्टम का पोटेंशियल है वो फिक्स रहेगा। इसका मतलब है कि इट इज कैनोनिकल एंसेंबल इज काइंड ऑफ एन ओपन टाइप ऑफ सिस्टम्स, ओपन टाइप ऑफ सिस्टम का कलेक्शन होता है, वही ग्रैंड सॉरी ये क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम्स का कलेक्शन होता है, और ये कैसा होता है ओपन टाइप ऑफ सिस्टम्स का कलेक्शन होता है, और इसके लिए वैल्यू क्या होती है म्यू वी टी कॉन्स्टेंट होते हैं, और यहां पर माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल्स क्या होते हैं जिनमें एन वी और ई आपके कांस्टेंट होते हैं। मैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन ये छोटा सा एक डेढ़ घंटे का वीडियो मैं आपके लिए करूंगा जिसमें आप हर्ट आप बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे आपके और आप क्वेश्चन करना भी सीख जाओगे। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से आता है, गेट में कई बार आ चुका है और अभी भी आगे आ सकता है। अब इसके बाद चलिए मैंने आपसे बताया कि अब आपको यह समझना पड़ेगा कि बेसिकली सबसे पहला वर्ड आपके सामने आता है माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स। तो माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स का बेसिकली कुछ मतलब ऐसे मैं आपसे कह सकता हूं कि माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट में अंतर यह होता है कि माइक्रो स्टेट मतलब एक कलेक्शन का मतलब है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जरा ध्यान से सुनिएगा सब लोग, मैंने आपसे कहा कि दो कमरे हैं इस ऑफिस में, दो कमरे हैं, एक कमरे में पांच लोगों को एक एट अ टाइम जाना है, तो आपने क्या किया पांच लोग इधर डाल दिए और पांच लोग उधर डाल दिए, ठीक है, पांच पांच लोग दोनों कमरों में डाल दिए। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि पांच लोग जो हैं उनका अरेंजमेंट भी मैटर करेगा। तो अगर आप अरेंजमेंट को मतलब स्पेसिफिकेशन अगर आप देखोगे तो वो माइक्रो स्टेट्स बन जाती है। मतलब अब एक कमरे के अंदर पांच लोग हैं वो एक मैक्रो स्टेट है, वो एक बड़ी स्टेट है, लेकिन उस मैक्रो स्टेट्स के अंदर छोटी छोटी माइक्रो स्टेट्स भी हो सकती हैं, छोटी छोटी माइक्रो स्टेट भी हो सकती है। वो क्या होंगी कि वो पांच लोग किस सीक्वेंस में खड़े हैं, किस पोजीशन में खड़े हैं। तो मैक्रो स्टेट्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ओके, सो इसका एक थोड़ा सा मैं आपको डिटेल छोटा सा बस एक और आपको छोटा सा दर्द दूंगा, ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चंस पर आ जाएंगे और आप सब कुछ समझना शुरू कर दोगे, लेकिन एक छोटा सा नॉलेज आप समझ लो क्या है कि जैसे मैंने आपसे कहा, अब ये तो बात हो जाती ना कि एग्जाम आप ये तो बात हो गई कि मैं आपको हवा हवा में समझा रहा हूं, तरीका है समझा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल साइंस क्या है उसको समझते हैं। एक मोल मान लीजिए आपने किसी पार्टिकल का एक मोल ले लिया, एक मोल लेने का मतलब क्या हुआ उसके पास 6×10^23 पार्टिकल्स हैं। एक मोल किसी पार्टिकल के एक मोल कुछ लिया तो मतलब उसके पास इतने पार्टिकल्स तो होंगे। अब हर पार्टिकल के अगर हर पार्टिकल को आपको स्पेसिफाई करना है तो स्पेसिफाई करने के लिए आपके पास देखिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात होनी चाहिए उन तीनों के उन सारे पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। जैसा मैंने कहा कि अगर पांच लोग इस कमरे में हैं तो उन पांच लोगों के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए कि वो कहां पर कैसे हैं, तभी वो एक माइक्रो स्टेट होगी। और मैंने कहा साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अगर किसी भी सिस्टम को आपको टोटली जस्टिफाई करना है तो उसके लिए उसका पोजिशन और उसका मोमेंटम दो चीजें पता हो तो हम सिस्टम के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए, किसी सिस्टम के पास अगर उस सिस्टम के पास अगर उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों हमें पता होंगे तो हम सिस्टम को 100% जस्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर एक मोल भी कोई कुछ ले हम तो उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं और हर पार्टिकल के पास ये और ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि टू स्पेसिफाई अ माइक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट का मतलब हो गया कि जितना अच्छी तरीके से मैं उसको डिटेल वाइज समझा सकूं। मतलब माइक्रो स्टेट तो ये हो गई कि एक कमरे में पांच लोग, लेकिन माइक्रो स्टेट ये हो रहा है कि वो पांच लोग कहां और कैसे, मतलब उनके पोजीशन ऑपरेटर्स और उनके मोमेंटम ऑपरेटर्स पता होने चाहिए। इट मींस कि हमें वी हैव टू, अब इसका मतलब हो गया कि इतने सारे सिस्टम्स हैं, एन सिस्टम्स हैं, ये क्या हो गया, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो एन पार्टिकल्स हैं। अब हर पार्टिकल को स्पेसिफाई करने के लिए सिक्स आपको कोऑर्डिनेट, सिक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका मतलब हो गया कि अगर आप सिस्टम को माइक्रो स्टेट्स, उस एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट्स को आप स्पेसिफाई करना चाहें तो आपको एक 6n डाइमेंशनल स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आप 2D स्पेस बनाते हो ना, 2D में क्या होता है आपका x और y होता है, बस लास्ट दर्द है आपका, इसके बाद आपको बड़ी आसानी हो जाएगी स्टेट में, इसलिए डरना मत, थोड़ा डट के खड़े रहना पड़ेगा तभी जाकर आपके नंबर आएंगे। 2D स्पेस का मतलब हो गया कि दो स्पेस, मैंने यहां पे एक पर्टिकुलर एक पॉइंट ले लिया तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट को बता रहा है। इसी तरीके से एक एक्चुअल जो हमारे पास सिस्टम होते हैं उनको समझाने के लिए, उनकी माइक्रो स्टेट्स को बताने के लिए हमें 6n डायमेंशनल स्पेस में काम करना पड़ेगा, और वो 6n डायमेंशनल स्पेस को स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में फेज स्पेस कहा जाता है। कहीं आपके पास फेज स्पेस नाम लिखकर आ जाए आपके पेपर में तो आप डरना मत। अब उस फेज स्पेस का एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है, माइक्रो स्टेट होती है,
और उस फेज स्पेस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले रहे हैं उसके अंदर कितने छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स जो एक वॉल्यूम के अंदर है, उस स्पेस को, उस वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, मैक्रो स्टेट कहा जाता है। मतलब ओवरऑल कहने की बात यह हो गई कि एक दो कमरों में अगर पांच पांच लोग हैं तो एक कमरे के अंदर पांच लोगों का होना एक मैक्रो स्टेट कहलाती है, और उन पांचों लोगों के मोमेंटम और पोजिशन ऑपरेटर्स को भी पता करना वो उस स्पेसिफिकेशन के साथ वो माइक्रो स्टेट्स होती हैं। तो एक मैक्रो स्टेट्स के अंदर कई सारी माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको इतना ज्यादा परेशान ना होना पड़े इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी से खेलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी से खेलने के लिए आपको क्या करना होता है, चलिए इसके बाद आप जिंदगी करता हूं मैं आप सभी की आसान। ये लेक्चर जिसने देख लिया उसके स्टैट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बचेंगे उनको मैं आगे चल के एक और क्लास लूंगा। इतना ही, बस इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए थी स्टैट में। इतनी नॉलेज होने के बाद अगर अब आप कोई स्टैट का क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता होगा कि आप कर क्या रहे हो, और जब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, तब आप किसी भी सवाल को अप्रोच कर पाते हो, और अप्रोच ही हमें सीखनी है। तो बेसिकली ओवरऑल मोटा मोटी फंडा यही है कि पार्टीशन फंक्शन क्यू, स्मॉल क्यू बेसिकली हमें क्या बताता है, स्मॉल क्यू हमें बताता है किसी एक पर्टिकुलर एटम की, जरा ध्यान समझिएगा, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की किसी स्टेट ei में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, किसी पार्टिकल की किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी विथ एनर्जी ei दैट गिव्स द मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। इट इज व्हाट इज इट इज, इट इज मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। मैं इसको क्या कहता हूं, मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। तो मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन क्या, आप सभी को समझ में आया कि मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन एक्चुअली होता क्या। अब इसके बाद ये किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर पार्टीशन, मतलब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर रहा होगा, लेकिन मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम किसी पार्टिकल को पकड़ेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी पता करेंगे, फिर उसके बाद उसकी हेल्प से पूरे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी पता करेंगे। तो ये मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन है, और कैपिटल क्यू क्या है, कैपिटल क्यू है आपका कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। मतलब आपने जो छोटी छोटी स्टेट्स मान रखी ना, छोटी छोटी स्टेट्स मान रखी है, उस छोटी छोटी स्टेट्स की किसी एक एनर्जी में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो आपका वो रिलेटेड होती है आपकी किससे, क्यू से। वो किससे रिलेटेड होती है, आपकी क्यू से। और कैपिटल क्यू क्या होती है, पूरे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी क्या, कैसे रिलेटेड है किसी पर्टिकुलर स्टेट में पाए जाने की, उससे कैपिटल क्यू रिलेटेड होता है। तो ओवरऑल आपको करना क्या होता है, स्टेट में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, कितना भी टफ क्वेश्चन आपका आ जाए आपके सामने, तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले स्मॉल क्यू निकालना होगा, स्मॉल क्यू निकालने के बाद कैपिटल क्यू निकालना होगा, और कैपिटल क्यू निकालने के बाद आप एनर्जी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये सब हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहां पर सबसे आसान तरीके से बता रहा हूं, जितना आसान मुझसे हो सकता है। कैपिटल ई आप निकाल सकते हैं, तो कैपिटल ई के लिए केबी, केबी क्या आपका बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट, केबी टी स्क्वायर डेल एल एन क्यू अपॉन डेल टी। तो स्टैट के क्वेश्चन करने के लिए आपको पार्शियल डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस प्लस थ्री जेड, ठीक है। अब आपके पास मैंने क्या कहा, इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है डेल अपॉन डेल एक्स से, डेल अपॉन डेल एक्स से, मतलब कि इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आपको सिर्फ एक्स दिखना चाहिए, इसके अलावा आपके लिए बाकी सब लोग काल्पनिक है, हर कोई कांस्टेंट है, कोई वाई कुछ कुछ कोई दूसरा फंक्शन है ही नहीं, और इसमें आपको बस अपनी गणित लगाना शुरू कर देनी होती है। मतलब यहां पर आपको क्या दिखेगा, पहले वाले पार्ट में आपको वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट दिखेगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 - 1 - n x की पावर n - 1 n x की पावर n - 1 n x की पावर n - 1। तो ये आपको डिफरेंशिएशन बस इतना अच्छा सीखना होता है, और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln x। तो इस नहीं नहीं ln x का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो ये छोटे छोटे डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, तो ये डिफरेंशिएशन आपको क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, अब आपके पास इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो x का डिफरेंशिएशन क्या है, x की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, और 1 - 1 0 हो जाएगा, तो x की पावर 0 = 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा y स्क्वायर प्लस
इस वाले केस में ये दोनों ही कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और इस वाले केस में भी दोनों कांस्टेंट हो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि इस फंक्शन का अगर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया तो आपका आंसर आएगा वाई स्क्वायर। बस इतना सा आपको सीखना होता है, इसके अलावा अगर आप ये नहीं सीखा होगा तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। तो आपको क्या करना है, क्यू निकालना है, क्यू निकालने के बाद कैपिटल क्यू निकालना होगा, हो सकता है सबसे यहीं पे आपकी कहानी खत्म हो जाती है, यहीं पे पेपर खत्म हो जाता है, यहीं तक आपको पूछा जाता है। इसके बाद अगर आपसे कैपिटल क्यू निकालने को बोले, कहे आपसे कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन निकालो, तो इसका मतलब है आपको उसकी पावर कैपिटल एन चढ़ा देनी है, और यहां पर ये कैपिटल एन क्या होगा, ये कैपिटल होगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट सिस्टम। जैसे मैंने आपसे कहा, चलिए मैं इसको आगे क्वेश्चंस में घुमा घुमा के सिखाऊंगा। उसके बाद अगर आपसे कहे कि इंटरनल एनर्जी पूछे आपसे, यू अगर आपसे कहे इंटरनल एनर्जी निकालनी है या फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए केबीटी स्क्वायर डेल एलएन क्यू अपॉन डेल टी, मतलब जो क्यू निकाला होगा उसका नेचुरल लॉग लेकर डिफरेंशिएशन कर देना। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं थोड़ी देर में। और इसके बाद अगर आपसे कहे कि आप उस पर्टिकुलर सिस्टम की हीट कैपेसिटी क्या होगी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। आप ई निकालने के बाद क्या कर दीजिएगा, उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। और अगर आपसे पूछे कि उस सिस्टम की एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी भी आप निकाल सकते हैं। एंट्रोपी क्या होगी, KB ln Q और E upon T, जो आपने यहां से E निकाला उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए यहीं पर रोककर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आपको कराना सिखाता हूं। एक क्वेश्चन जो सबसे पहले सिंपल टाइप का क्वेश्चन आता है, ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गेट 2019 का। ये किसका क्वेश्चन है, गेट 2019 का। गेट 2019 में दो दो नंबर के दो क्वेश्चंस आए थे, और ये दो क्वेश्चंस जो कर लेता है वो क्वेश्चन बाकी लोगों से अलग हो जाता है। वो क्वेश्चन क्या होता है, बाकी लोगों से अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपसे क्या करना है, क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ पार्टीशन फंक्शन एट सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। तो उसने क्या कहा, जरा ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन पर आना है हम लोगों को, क्वेश्चन सीखना है, जरा ध्यान समझना। कह रहा है कंसिडर अ टू स्टेट सिस्टम, मतलब कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके पास दो स्टेट्स हैं, टू स्टेट सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम पर ही होते हैं हमारे, विथ एनर्जीज जीरो एंड टू केबीटी, विथ एनर्जीज जीरो एंड टू केबीटी, एक की एनर्जी जीरो है और दूसरी की एनर्जी टू केबीटी है, फॉर विच द डी जनरेसीज आर गिवन 1, 2। इसकी जो डी जनरेसी है वो 1 है और इसकी डी जनरेसी 2 है। तो आपके पास क्या करना, पार्टीशन फंक्शन निकालो। सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है। इस टाइप के क्वेश्चंस निकालने के लिए आपको क्यू निकालना होता है, मतलब आपसे पार्टीशन फंक्शन पूछ रहा है, और पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, समेशन ओवर आई, और यहां पर क्या है ये जी आई ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, ई आई अपॉन के टी। यहां पर जी आई क्या है, जब जिस स्टेट की बात कर रहे होगे उस स्टेट की डी जनरेसी क्या है, इतना है। तो यहां पर क्यू निकालिए, क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहली स्टेट के लिए, तो पहली स्टेट के लिए इसकी डीजेनरेसी कितनी है, 1 है, इनटू e की पावर माइनस इसकी एनर्जी कितनी है, 0 है, इसकी एनर्जी कितनी है, 0 है, तो यहां पर 0 बाई केबीटी आ गया, 0 बाई केटी आ गया, प्लस हमेशा करना है ना, दूसरे स्टेट की आई की वैल्यू जब 2 रखोगे तो दूसरी स्टेट के लिए डीजेनरेसी कितनी है, 2 है, इट मीन 2, और ई की पावर माइनस इसके लिए ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 केबीटी दे रखी है, इसका मतलब है ई की पावर माइनस 2 केटी अपॉन केटी, वही केबिट, तो केटी से केटी कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 आई, तो इसका मतलब क्यू इक्वल टू क्या आया, 1 प्लस 2 ई की पावर माइनस 2 आया। अब इसके बाद चल सब लोग बताइए कि ई की पावर माइनस 2 की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर माइनस 2 की वैल्यू सब लोग यहां पर कमेंट करके बताएंगे, ई की पावर माइनस 2 की वैल्यू क्या होती है, बताइए भाई, और कुछ आपत्तिजनक लोग यहां पर आ गए हैं तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। बताइए सब लोग कमेंट करके बताइए यहां पे। बताइए इसको सब लोग कमेंट करके बताइए, ई की पावर माइनस 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.135। एक से ज्यादा लोग कमेंट करके बताओ तो कंफर्म हो जाए मुझे, एक से ज्यादा लोग कमेंट करके बताओ, एक से ज्यादा लोग कमेंट करके बताओ, और वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए सबके साथ जितने भी आपके दोस्त हैं, क्योंकि ये कुछ क्लास करना सबके लिए बहुत जरूरी है। जिसने ये क्लास कर ली इस टाइप के सारे क्वेश्चंस करना सीख जाओगे आप, सारे तो नहीं लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा जितने ज्यादा से ज्यादा आप कर लो उतना ही अच्छा होगा आप सभी के लिए।
लाइक करते चलो यार। 0.135 आ रहा है सबका, 0.135 आ रहा है, चलिए 0.135 आ रहा है मैं मान लेता हूं। तो यहां पर इसका मतलब 0.135 है, तो इसको इसमें रख दीजिए। अब कैलकुलेटर अलाउड होता है इसलिए ऐसा क्वेश्चन आया है गेट में, ये गेट 2018-19 का क्वेश्चन है। इसका मतलब क्यू की वैल्यू कितनी आई, 1 + 2 × 0.135। तो इसको फाइनल निकालिए, क्यू की फाइनल वैल्यू सब लोग निकाल कर दिखाइए, फाइनल वैल्यू क्या होगी। सब लोग जितने लोग भी देख रहे हो सब लोग क्या करो, क्यू की वैल्यू यहां से निकाल कर दिखाओ। कैलकुलेटर अलाउड होता है तो सब लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर अलाउड होता है तो सब लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। कैलकुलेटर अलाउड होता है तो हर कोई कैलकुलेटर कर सकता है भाई। फाइनल क्यू की फाइनल वैल्यू क्या होगी बताइए सब लोग जल्दी जल्दी, क्योंकि जो फाइनल वैल्यू होगी वो बताइए सब लोग जल्दी जल्दी। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। चलिए तब तक सब लोग निकाल रहे हैं, सब लोग कमेंट करिएगा, सबका कमेंट सबसे आना चाहिए। ई की पावर वैल्यू हाउ, ई की पावर का वैल्यू आपको कैलकुलेटर से निकालनी है, आप ई की वैल्यू निकालो और उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म है, सिंपल सी बात है। फाइनल वैल्यू 1.27 आ रहा है ना सबका। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूं क्वेश्चन को, सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कह रहा है एक सिस्टम है उसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं, वो दोनों स्टेट्स आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, पहले स्टेट की एनर्जी 0 है, दूसरे स्टेट की एनर्जी 2 kBT है, और उसके लिए क्या कह रहा है उन स्टेट्स की डीजेनरेसी 1 और 2 है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ पार्टीशन फंक्शन फॉर दैट काइंड ऑफ सिस्टम, तो मतलब कि आपको ऐसे सिस्टम के लिए पहले उसका पार्टीशन फंक्शन निकालना है। तो पार्टीशन फंक्शन का निकालने का तरीका क्या होता है, Q = summation over GI e की पावर -EI/KT, दैट इज द पार्टीशन, टोटल पार्टीशन फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम, दैट इज द टोटल पार्टीशन फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है कि इसका आप समेशन निकाल लीजिए भाई, पहले स्टेट की डिजेनरेसी, उसको ओपन करने का तरीका आपको बताओ ना, पहले स्टेट के लिए डिजेनरेसी, फिर उसके बाद पहले स्टेट के लिए एनर्जी, इसके साथ दूसरे स्टेट के लिए डिजेनरेसी, फिर दूसरे स्टेट की एनर्जी, और उसके बाद आपको सॉल्व कर देना, सीधा आपका आंसर आ गया और 1.27 सभी का आंसर आ रहा है। तो 1.27 ही आंसर आपसे पूछा गया था गेट में, सही आंसर 1.27 ही था, मतलब एक रेंज में आंसर आता है। अब चलिए इसके बाद अगली बात क्या है, आपने क्या सीखा अभी आपने सीखा पार्टीशन फंक्शन निकालना, क्या निकालेगा पार्टीशन फंक्शन निकालना। तो पार्टीशन फंक्शन अगर आपने निकालना सीख लिया उसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान समझना, आपने क्या सीखा कि ये दो स्टेट्स हैं किसी सिस्टम की, ये दो स्टेट्स हैं, पहली स्टेट मान लीजिए S1 है, दूसरी स्टेट S2 है, S1 S2 को कुछ भी मान लो, या पहली स्टेट 1 है दूसरी स्टेट 2 है, तो पार्टीशन फंक्शन निकालना सबको आ गया। अब मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी, मैं क्या कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट वन, अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सिस्टम इन स्टेट वन, या फिर मैं इसी को क्या कह सकता हूं फ्रैक्शन ऑफ, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि दो यहां पर दो एटम्स हैं, कि पहला मतलब कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर सिस्टम, चलिए सिस्टम भी यही इसी तरह से, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या फ्रैक्शन ऑफ सिस्टम कह लीजिए, पूरे सिस्टम का कितना फ्रैक्शन सिस्टम इन स्टेट इज इक्वल टू वन, इसको कैसे निकालोगे। तो इसको निकालने का सबसे सिंपल और बहुत ही बेसिक और बहुत ही बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि सिस्टम के यहां पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी सिस्टम के एक पर्टिकुलर स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सीधा GI × E की पावर -EI/KT। ये क्या है आपका, ये एक सिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के किसी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। यहां पर इतने लोगों को इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। देखो एक क्या है आपके पास, एक है ये एनसेंबल, इस एनसेंबल में सारे एटम है, ये एक एनसेंबल एक ऐसा पार्ट है, एनसेंबल को फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं, जरा ध्यान से समझ लो एनसेंबल क्या है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आप सभी को, एनसेंबल क्या है, मेंटल कॉपीज ऑफ सिस्टम कंसीडर्ड ऑल एट वंस, मतलब कि एक सिस्टम की एक कोई मेंटल कॉपी है, तो मेंटल कॉपी मतलब, और वो मेंटल कॉपीज क्या है, रिप्रेजेंटेड विच रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबल स्टेट दैट माइट बी, दैट द रियल सिस्टम माइट बी इन, मतलब
ये जो एक मेंटल कॉपी है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मेंटल कॉपी को उठा रहे हैं तो वो मेंटल कॉपी एक्चुअली हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर वो एक्चुअल स्टेट हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी मैं आपसे यहां पर क्या कह रहा हूं, जरा ध्यान समझते रहिएगा, बातों को बहुत क्लियरली सुनना पड़ेगा आपको आज इस लेक्चर में। मैंने एक एनसेम्बल लिया, तो एनसेम्बल एक रियल स्टेट हो सकती है ना कभी, मतलब कि एक सिस्टम का, अगर मैं इसका क्या कहूं, इसका कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन निकालिए, तो मतलब वो पूरे सिस्टम के लिए बात कर रहा है। तो हम लोग यहां पर जो क्यू निकाल रहे हैं ना, इससे पहले जो आपने क्यू निकाला, ये क्यू क्या कर रहा है, ये क्यू पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स को एक साथ ले लेकर उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पता कर रहा है। कि मतलब कि अगर मैं पता करूं कि कितने सारे पार्टिकल्स इस एनर्जी स्टेट्स में होंगे, वो रिलेटेड है क्यू से, वो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ये प्रोबेबिलिटी होती है डायरेक्ट, क्या जी आई इंटू ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है इस सिस्टम की ई आई स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन सिस्टम इन पर्टिकुलर स्टेट वन। तो आप, अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी जैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हो ना, मोल फ्रैक्शन, तो आप क्या करते हो, उसके मोल से टोटल मोल को डिवाइड करना पड़ता है, तब आपको मोल फ्रैक्शन बता देता है। तो उसी तरीके से अगर आपको ये सारे स्टेट्स में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के लिए आप उसको समेशन कर देते हैं, लेकिन आप एक पर्टिकुलर स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको किससे, क्यू से। इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको क्यू से। तो ये क्या बताएगा आपको, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन दैट स्टेट आपको बताएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन दैट स्टेट बताएगा। तो ये कुल मिलाकर कुछ नहीं है, एक के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है। अरे सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने थोड़ी ना बैठा हूं मैं यहां पे। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन एनी गिवन पर्टिकुलर स्टेट। अब मैं आपसे कहूं कि इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे क्या कह दूं, यही वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, अब आपको क्या पता है, जरा ध्यान से देखना, यहां पर आपको क्या बता लगा, यही क्वेश्चन आएगा गेट में, ऐसा ही आएगा, एक बार तो एक तरीके से तो आ चुका, दूसरी तरीके से क्या आएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन स्टेट वन। तो आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन स्टेट वन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले वाले पार्ट से टोटल पार्ट को डिवाइड करना पड़ेगा, वन अपॉन वन प्लस टू की पावर माइनस ई टू। तो मतलब क्या हो गया आपका, आएगा वन अपॉन क्या था, 1.27 आया था, 1.27। तो ये आपका यहां से जो आंसर आएगा, दिस आंसर विल बी द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन फर्स्ट एक्साइट, फर्स्ट स्टेट। अब मैं आपसे कहूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन सेकेंड स्टेट, तो सेकेंड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, टू ई की पावर माइनस टू अपॉन वन प्लस टू ई की पावर माइनस टू। आई बात समझ में, ये सबको आई बात, सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई। What the hell is this? भैया बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है यहां पर, तो जिन लोगों का दिमाग हल्का हो तो वो लोग कृपया उस लेक्चर को ना देखें, नहीं तो वो लोग What the hell is this ही बोलेंगे। ठीक है भाई, ये सबको समझ में आया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालना समझ गए सब लोग, कमेंट करिए भाई जितने लोग भी हैं, सब लोग कमेंट करिए और सब लोग लाइक भी करिए जितने लोग आ रहे हैं लाइव देख रहे हैं। ठीक है, लाइक भी करते चलो, और सबको समझ में आएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालना समझ में आ गया सबको, सबको पार्टीशन फंक्शन निकालना समझ में आ गया, दो चीजें हम लोग सीख चुके हैं। अब इसके बाद जो सेकेंड अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस ये हो सकता है, इसी क्वेश्चन में आपसे कह दे रेशियो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन टू, मतलब पहली स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो, मतलब कि एफ वन अपॉन एफ टू आपको निकालना है। तो एफ वन अपॉन एफ टू निकालने के लिए आपको पता होगा, और इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आपको बताइए जी वन ई की पावर माइनस ई वन अपॉन के बी के टी डिवाइडेड बाई क्यू, और जी टू इंटू ई की पावर माइनस ई टू अपॉन के टी। तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर क्यू, तो यहां पर आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहां से क्यू कैंसिल हो जाएगा और यहां से आएगा जी वन अपॉन जी टू
और e की पावर माइनस e1 अपॉन kt, और ये नीचे से ऊपर आ जाएगा तो e की पावर प्लस e2 अपॉन kt। तो यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डायरेक्टली g1 अपॉन g2 इनटू e की पावर माइनस e की पावर e2 माइनस e1 अपॉन kt। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन टू टू। ठीक है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि g1 into g2 और e की पावर e2 माइनस e1 अपॉन kt। तो ये भी एक अगला क्वेश्चन आता है। तो तीन क्वेश्चन आपको निकालना आ गए या नहीं आ गए। देखिए पार्टीशन फंक्शन निकालना। सेकेंड आपको क्या आना चाहिए कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालना। इसके बाद थर्ड क्या होना चाहिए, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं मैं यहां पर, वो भी लिख के आ सकता है, क्या नाम है आपके लिए, पार्टिकल्स फ्रॉम स्टेट वन टू, या फिर स्टेट एस वन टू एस टू, कोई भी दो स्टेट्स के बीच का रेशियो आपको निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। गेट 2019 में ही आपके पास क्वेश्चन आया था, दूसरा 19 में आया था कि किसमें आया था, आया तो था ये, मैंने उसको तो शायद दूसरा क्वेश्चन उठा रखा था, तो दूसरे क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूं। आपसे क्या कह सकता है, चलिए मैं क्वेश्चन आप सभी को देने वाला हूं, वो क्वेश्चन जैम के लिए ड्रॉप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका हो जाएगा तो ले सकते हैं। सर टू का फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए चालनी, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप कर सकते हैं ड्रॉप, बिल्कुल, मतलब एनरोलमेंट ले लो एक कॉलेज में और पढ़ते रहो दूसरे में। तो ये बेसिकली क्या है, इसके लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास तीन स्टेट्स हैं, 0, 1, 2, ऐसे इसी तरीके से 0 और इसकी एनर्जी E, इसकी एनर्जी 2E है, और आपको दे रखा है KBT इज इक्वल टू HN अपॉन KBT होता है ना, KBT इज इक्वल टू HN नहीं दे रखा है, आपको रखा है कुछ भी दे रखा है, E इक्वल टू KBT दे रखा है, और क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि हमारे पास तीन स्टेट्स हैं, कह रहा सिस्टम ऑफ थ्री स्टेट्स, और पहले स्टेट्स की डिजेनरेसी कितनी है, G1 इज इक्वल टू 1, G2 इज इक्वल टू 2 और G3 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप सभी लोग अभी लोग करेंगे इस लेक्चर के दौरान ही इस क्वेश्चन को करेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि आप कर पा रहे हैं कुछ या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। यहां पर क्या रखा है, E इज इक्वल टू दे रखा है KBT, और मैं आपसे यह क्वेश्चन ये है कि फ्रैक्शन ऑफ या रेशियो पता करना है, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम 3 to 1, थर्ड स्टेट से, ये पहली स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, ये तीसरी स्टेट है, तो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तीसरी स्टेट से पहली स्टेट के रेस्पेक्ट में, और देखते हैं कि सबसे पहला आंसर क्या आएगा, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए भाई कॉपी पेन उठा लीजिए सब लोग। हाँ, फिजिकल स्पेक्ट्रा का कुछ जो छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, उससे पहले सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तीन स्टेट का एक सिस्टम है, तीनों की आपको क्या रखा है, डीजेनरेसी दे रखी है, इज इक्वल टू केबीटी दे रखा है, कह रहा है रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम 3 to 1। करिए क्वेश्चन करिए आप लोग। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देख रहे होंगे तो वो लोग भी आपको भी क्या नाम है कमेंट करके जाना है इस वीडियो के बाद में। ठीक है, कमेंट करो सबसे पहले, जितना जल्दी पहला आंसर आ जाएगा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे लेक्चर में। कमेंट करो भाई, कॉपी पेन उठाओ, मेहनत करो साथ में। पहला आंसर आ चुका है 3e की पावर 2। बहुत आपत्तिजनक लोग आते रहते हैं बीच बीच में, पढ़ने नहीं देते हैं। कुछ कमेंट्स तो होते हैं जो हाइड हो जाते हैं, मतलब आते ही नहीं है ना।
कुछ गंदे वर्ड्स को यूज करे तो वो तुरंत ही हाइड हो जाते हैं। अरे बीच बीच में आके तो सब लोग मजे लेते रहते हैं। पहला आंसर आया है भाई ई की पावर टू, थ्री ई की पावर टू आया, एक आया फोर ई की पावर टू। और लोग कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई, 30 सेकंड और इंतजार करता हूं, फिर बढ़ते हैं आगे चैप्टर में। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, कुछ नहीं करना है आपको, पार्टीशन फंक्शन निकालना। चलिए देख लीजिए क्यू इक्वल टू, देखते हैं किसका सही आया। कुछ लोगों ने तो डाटा भी वैसे भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या आएगा, वन, मैं डायरेक्टली निकालता हूं, वन प्लस टू, वन प्लस टू ई की पावर माइनस, इसकी वैल्यू क्या है ई अपॉन के टी, तो ई की ई बराबर क्या है के टी है, तो के टी अपॉन के टी, ठीक है, प्लस थ्री ई की पावर माइनस टू के टी अपॉन के टी। इसका मतलब क्या हो गया, आप यहां से निकाल लेंगे, यहां से आएगा वन और ये कट जाएगा e की पावर वन, वन प्लस टू ई की पावर माइनस वन प्लस थ्री ई की पावर माइनस टू। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्यू निकल कर आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल, अगर आपसे पूछा है तो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, रेशियो फ्रैक्शन या रेशियो एफ निकाल दे रहा हूं मैं डायरेक्टली, तो कह रहेगा थ्री टू वन, तो थ्री की डीजेनरेसी थ्री, नीचे की जेनरेसी वन, तो थ्री बाई वन ई की पावर ई की पावर ई थ्री माइनस ई वन अपॉन के टी। तो यहां से आ जाएगा थ्री ई की पावर थ्री माइनस ई थ्री माइनस ई वन कितना है, डायरेक्टली यहां से बताएगा टू ई, तो यहां से आएगा टू ई अपॉन के टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री ई की पावर टू के टी अपॉन के टी, तो यहां से क्या आ जाएगा थ्री ई स्क्वायर, तो थ्री ई स्क्वायर आपका सही आंसर होगा। तो जिसने थ्री आंसर दिया था बहुत बढ़िया, थ्री ई स्क्वायर होगा आपका आंसर। बताइए इसमें क्या दिक्कत हुई, कितना सिंपल आंसर था। अनी रॉय ने सबसे पहले आंसर दे दिया था 9:19 पर, 5 मिनट पहले ही आंसर दे दिया था, तो उनका आंसर सही था, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये क्वेश्चन आता है आपका गेट में दो नंबर का, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, देखिए दो लाइनों में आंसर हो गया, दो लाइनों में आंसर आ गया, दो लाइनों में आपका आंसर आ गया। थ्री ई की पावर टू आया, आएगा कि नहीं आएगा, थ्री ई की पावर टू आएगा या नहीं आएगा, मैंने थ्री टू वन पूछ रहा हूं, तो थ्री टू वन थ्री से वन, अगर वन से थ्री पूछता तो वन बाई थ्री होता, तो किससे किसका पूछा है बस इतना ध्यान रखना होता है। सैली राणा वन बाई थ्री बोल रहे हैं, तो वन बाई थ्री तब होगा, थ्री की पावर टू बहुत गुड, मेघा ने भी सही आंसर दिया था, और ई की पावर माइनस टू नहीं होगा, ई टू ई थ्री माइनस ई वन आपका डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है, ई थ्री माइनस ई टी अपॉन के टी आ जाएगा। तो ई थ्री माइनस ई मतलब है कि थ्री माइनस वन, तो इसका मतलब हो गया टू टू के टी, तो टू ई हो जाएगा, बेसिकली टू ई हो जाएगा, यहां पर आप इसको ई टू ई है बेसिकली, और ई की बराबर केवीटी। ये हो गया क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए लेक्चर में, आगे बढ़े। अब आप एक बहुत ही बढ़िया पार्ट स्टैट का आपको आ गया है, अब आप इसके एक क्वेश्चन तो करके ही आओगे, एक क्वेश्चन तो आप करके ही आओगे, अब आपको कोई रोक नहीं सकता एक क्वेश्चन करने के लिए। बताइए भाई आ गया आपको, ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए, सब लोग कमेंट करेंगे कि हाँ आगे बढ़ा जाए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक तीन चीजें निकालना आप सभी को आ गई होंगी। हाँ सली राना थ्री होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं अब आप, बढ़ा जाए। रवि चौधरी कह रहे हैं कि बढ़ा जाए आगे, एक दो लोग और बोल दो तो फिर बढ़ा जाए, एक दो लोग और बोल दो तो फिर बढ़ा जाए आगे, एक दो लोग और बोल दो तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं, मेघा ने भी बोल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अब जरा ध्यान से समझना, ये एक क्वेश्चन है, इसके बाद स्टैट, मतलब ये तो स्टैट हो गई, स्टैट के बाद एक क्वेश्चन, स्टैट में क्या आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के और सेक्यूटेटर इक्वेशन के और ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के, मैं तो उसको अलग पार्ट में लूंगा, आपको पहले ये बेसिक पार्ट आना चाहिए था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टैट का ऐसा आता है जिसको स्टैट से कुछ मतलब नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो आ जाता है बिना पूछे और कहे, उस क्वेश्चन को देखिए कैसे अप्रोच करना होता है, क्या कह रहा है, इन क्वेश्चंस की अप्रोच समझिए। कह रहा है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ थ्री आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल
नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, यही पहली लाइन में ही सारी की सारी कहानी छुड़ी हुई है, एंड थ्री अवेलेबल नॉन डीजेनरेट सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स हैविंग जीरो ई एंड टू ई। कह रहा है एक सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम के पास तीन पार्टिकल्स हैं और तीन, ये गेट 2019 का ही क्वेश्चन है, गेट दो क्वेश्चन आए थे, एक जो इससे पहले कराया था, इससे पहले नहीं, जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया था, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आया था। तो तीन पार्टिकल हैं। अब तीन पार्टिकल क्या है, आइडेंटिकल हैं और डिस्टिंग्विशेबल हैं, मतलब उनको देख के आप पता कर सकते हो कि कौन सा कौन एटम, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल समझ में ही ना आए, तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। एंड थ्री अवेलेबल नॉन डीजेनरेट एनर्जी स्टेट्स, मतलब तीन स्टेट्स हैं जो कि नॉन डीजेनरेट है, मतलब उन सब की डिजेनरेसी कितनी है, वन है, और उनकी एनर्जी कितनी है, जीरो है, ई है और टू ई है। कह रहा है द सिस्टम इज इन कॉन्टेक्ट विद अ हीट बाथ ऑफ टेम्परेचर टी, मतलब सिस्टम की टोटल टेम्परेचर टी ही रहता है, उससे कनेक्टेड है, इसलिए कह रहा है अ टोटल एनर्जी ऑफ टू ई इज शेयर्ड बाई दीज थ्री पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ वेज द पार्टिकल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि आपको इन तीन पार्टिकल्स को इस हिसाब से एनर्जी स्टेट्स में अरेंज करना है कि टोटल एनर्जी जो सिस्टम की निकल कर आए, जो आपकी क्या निकल कर आए, टोटल एनर्जी जो आपके सिस्टम की निकल किया है, वो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी निकल कर आनी चाहिए, टू ही निकल कर आनी चाहिए। तो कितनी तरीके से आप रख सकते हो, देखो मैं एक बार और ऐसे लिख देता हूं यहां पर, ऐसे ये जीरो ई और टू ई, तो आपको तीन एटम्स को सेट करना है। तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा तीन पार्टिकल्स हैं कैसे। आप ऐसे समझ सकते हो कि ए बी और सी, ये तीन पार्टिकल्स हैं। अब देखो ये आइडेंटिकल भी है, आइडेंटिकल का मतलब हो गया, मैं आपको अल्फाबेटिकली समझाऊं तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये तीनों के तीनों अल्फाबेट ही तो है, एक तरीके से अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट क्या बता रहा है कि आइडेंटिकल है और डिस्टिंग्विशेबल है, इसलिए मैंने इनको ए बी सी लिखा है। क्यों? क्योंकि इनको देख के आप बता सकते हो कि ये अलग एटम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये है सेम ही कैटेगरी के, लेकिन देख के आप बता सकते हो कि हाँ ये अलग अलग है। अब इन तीन को आपको क्या करना है, इसमें अरेंज करना है। कंफ्यूजन कहां होता है कि आप इसको ए ए और ए ना मान लें, ए और ए और ए में ये क्या होगा, ये इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए, लेकिन ये क्या है, ये डिस्टिंग्विशेबल है। तो बस इसके बाद तो कहानी आसान हो जाती है। कहानी अब आपके सामने क्या बसती है कि यहां पर आपको रखना है, यहां पर रख लीजिए, मान लो एक एटम को आप रख दो जीरो में, दूसरे एटम को रख दो यहां, इसको बी को भी यहीं पर रख दो, और तीसरे को क्या करो यहां रख दो। तो मतलब यहां पर इस बताइए इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी हुई, टू ई हुई कि नहीं हुई, और टू ई हमें रखनी है, तो मतलब ये सेटिस्फाइंग है। तो इसका मतलब क्या, सी और बी ए। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बिल्कुल इसी का, क्या कि मान लो बी यहां पर हो तो बी और ए बी। अब तीसरा क्या हो सकता है, ए ऊपर हो तो ए और बी सी। ये तीन तरीके हो गए। इसके बाद यहां पर देखिए दूसरा एक और तरीका हो सकता है, कैसा हो सकता है, क्या कि ए और बी को यहां रख दिया जाए तो टोटल एनर्जी टू ही होगी, सी को यहां रख दिया जाए तो उसका मतलब हो गया अब आपके पास ए बी ऊपर है, सी नीचे है, इसी तरीके से बी सी ऊपर होगा एक बार और आपके पास ए नीचे होगा, इसी तरीके से ए बी ऊपर और क्या बचा, यहां पर नीचे बी नीचे होगा और ए सी ऊपर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकल कर आए आपके पास, सिक्स वेज है, सिक्स वॉज द आंसर एंड सिक्स इज द करेक्ट आंसर। सर पिछले क्वेश्चन में जी बाई थ्री अपॉन जी को इवन माई थ्री होगा ना, एक बार देख लीजिए। अच्छा चलिए पिछले वाले क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली चलिए, अगर यहां से हम लोग को थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस कंफ्यूजन को शॉर्टकट मत बना के रखिए, यहां पर लिख लीजिए डायरेक्टली e की पावर माइनस ई थ्री अपॉन के टी, जी तो लिख ही रखा है हम लोगों ने, e की पावर माइनस ई थ्री अपॉन के टी और यहां पर e की पावर माइनस ई वन अपॉन के टी। ठीक है, तब ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने पर क्या होगा, जरा ध्यान से देख लेते हैं इसको, अगर कुछ में भी मिस्टेक हो गई हो देख लेते हैं भाई। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, थ्री बाई वन और बेसिकली यहां पर थ्री बाई वन और यहां पे e की पावर ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस ई थ्री अपॉन के टी और इंटू e की पावर ई वन अपॉन के टी। हाँ तो बिल्कुल सही बोला आपने, सही बोल रहे थे आप, थ्री अपॉन वन ई की पावर ई वन माइनस ई थ्री अपॉन के टी होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, थैंक यू फॉर दिस, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आपको क्या, आपको बस ये याद रखना है इस तरीके से, ठीक है, कोई शॉर्टकट बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे करते हैं, यही तरीका है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो यही होगा आपका E1 माइनस E3 ही होगा, ठीक है, E1 माइनस E3 ही होगा, सही। तो ये वाला क्वेश्चन में सिक्स आंसर आएगा, ये आपको समझ में आ गया सबको कि सिक्स आंसर कैसे आया। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का भी बन जाता है कि कई बार आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हाँ ये छोटी सी मिस्टेक जो थी उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल अमरेश यादव राइट,
जल्दी जल्दी में थोड़ा सा हो जाती है दिक्कत। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ हाँ एनी बिल्कुल सही बोला आपने, ये मैंने आपको करेक्ट करा दिया। बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो कहानी होती कहां है, फंसते कहां हूं आप लोग। अब इसके बाद यहां तक आप लोग समझ गए। इसके बाद क्या होता है, आप एनर्जी, जैसे मैंने आपसे कहा ना पार्टीशन फंक्शन, अभी तक पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा था, फिर वो क्या कहेगा कि आप रिजिड रोटर यूज कर रहे हो, रिजिड रोटर यूज कर रहे हो। वो आपसे कहेगा कि आप हार्मोनिक ऑसिलेटर यूज कर रहे हो, मतलब आपको पार्टीशन फंक्शन देने के लिए वो पार्टीशन फंक्शन की ना तो डीजेनरेसीज के बारे में कुछ आपको बताएगा, ना ही उसकी एनर्जी स्टेट्स के बारे में कुछ बताएगा। और वो क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि एनर्जी स्टेट्स आपको डायरेक्टली ई का फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर वो आपसे डायरेक्टली सिस्टम्स के बारे में डायरेक्टली आपसे बात करने लगे। अगर मान लो वो आपसे कहे कि मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, क्या है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए ई की एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। ई आपका मान लो एक एटम है ना, जैसे हाइड्रोजन, आपसे ऐसे डायरेक्टली बोल दे हाइड्रोजन एटम है, क्या बोलेगा, हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए E का फॉर्मूला आपको पता ही होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप सेकंड तरीका क्वेश्चन का क्या होता है, उसमें आपको E के बारे में डायरेक्टली नहीं पूछता है, उसके बारे में क्या करता है, आपको कंफ्यूज कर देता है, आपको ये सारी बातें याद करने की जरूरत पड़ जाती है जो कि आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। तो उसी लिए यहां पर जैसे मैंने इस पार्ट को इस जगह पर छोड़ा था आपके लिए, कहां गया ये, ये हाँ। तो अब आपसे क्या है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए कि कई बार आपसे पूछेगा कि मान लीजिए आपके पास मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के पास टोटल पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, छोटे छोटे पार्टीशन फंक्शंस का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब ट्रांजिशनल का अलग, इलेक्ट्रॉनिक का अलग, न्यूक्लियर का अलग, ट्रांजिशनल क्वांटम नंबर अलग होंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर अलग होंगे और न्यूक्लियर क्वांटम नंबर अलग होंगे। तो ट्रांजिशनल के लिए नॉर्मली आपको ई की वैल्यू पता ही होती है, ई की वैल्यू क्या होगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर। और ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए आप इसको और सिंपली हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होते जाती है कहानी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट ओवरऑल मोटा मोटी आपको बस इतना पता होना चाहिए क्यू ट्रांजिशनल क्या होता है आपका, क्यू ट्रांजिशनल की वैल्यू, क्यू ट्रांजिशनल की वैल्यू होती है 2 पाई एम के बी टी अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू वॉल्यूम। ये क्या होता है, ये आपका ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन से निकलकर आता है ये आपकी वैल्यू, ठीक है। यह कुल मिलाकर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन में आपने एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर यूज किया है, और उसी को यूज करके आप आगे चल के सॉल्व करेंगे तो आपको क्यू ट्रांजिशनल कुछ इस तरीके से निकलकर मिलेगा, वो आपको बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 2 की पावर 3/2 करोगे तो 8 ही आएगा, ठीक है। तो ये उसी तरीके से रिलेटेड चीज होती है, और इस यूनिट की जो वैल्यू होती है, जो इस पार्ट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन लेंथ स्क्वायर। तो कई बार आपसे इसको लेंथ से रिलेट करके पूछता है कि ट्रांजिशनल लेंथ क्या होती है, तो ट्रांजिशनल लेंथ बेसिकली क्या होगी, इसको उल्टा कर देना और अंडर रूट ले लेना, तो वो ट्रांजिशनल लेंथ निकल कर आ जाती है। ये बात आपको छोटा मोटा माटी है, यहां पर अगर आपको स्टेट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, और अगर पढ़ी है तो आपको समझ में आ गई होगी ये लेक्चर। मतलब एक तरीके से जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको तो पूरा ही समझ में आ जाएगा, जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ रखा है वो लोग क्वेश्चन तो सारे करना सीख ही जाओगे आप लोग, यहां तक हम लोग समझ गए थे। अब जैसे देखिए ध्यान से, जैसे मान लो आपसे वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन पूछ रहा हो, तो वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन में क्या है, आपको पता होना चाहिए, आपसे क्या कहा, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए उसकी सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट, ध्यान सब लोग ध्यान सुनना क्या कहेगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट के लिए उसके वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शंस का या फिर पार्टिकल्स के पाए जाने का रेशियो पता करो। क्या कहेगा आपसे, ध्यान सुनो, कहेगा हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए उसकी सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट के रेशियो पता करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रेशियो टू टू फ्रॉम स्टेट टू टू स्टेट वन। मतलब ये जितनी कहानी हम लोगों ने पीछे की पढ़ी है ना, अब वो कहानी किसी एक ऐसे नहीं बोलेगा कि कोई एक स्टेट है उसके इतने इतने पार्टीशन फंक्शन है इतनी स्टेट्स, ऐसे नहीं बोलेगा, आपसे कहेगा एक हार्मोनिक ऑसिलेटर, बस इतना बोल के आपसे हट जाएगा, आपसे इतना कहेगा आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर है। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, उसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, क्या कहेगा, देखिए क्वेश्चन इस तरीके का, ये गेट 2018 में आया था इसको, अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है ये, कह रहा है अ सिस्टम अ कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन लाइक दैट। अब डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इट्स ग्राउंड स्टेट, कुछ नहीं बता रखा है, सीधा आपसे एक वर्ड यूज किया है, और एक वर्ड आपसे क्या यूज कर लिया है, यहां पर एक वर्ड यूज किया है हार्मोनिक ऑसिलेटर,
तो ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या एनर्जीज के बारे में, ई की वैल्यू पता होनी चाहिए और दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो दो तीन सिस्टम है उनके लिए आपको, ये देखिए दो पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधे आपको समझ लेने और सीधे क्वेश्चन आप करने लगोगे, उसकी एनर्जी पता होनी चाहिए और उनकी डिजेनरेसिस की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए वाइब्रेशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो ई वाइब्रेशनल की वैल्यू होती है, ई वाइब्रेशनल की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर वी प्लस हाफ एच न्यू, जहां पर वी क्या है वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं, इनकी वैल्यू ये होती है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आप इसको यूज करके क्यू निकालें, क्यू जो जैसे हम लोगों ने बताया समेशन करके निकालें और उसमें बड़ी गणित लगाएं, तो गणित लगाने के बाद जो आपका क्यू वाइब्रेशनल का फॉर्मूला आता है वो ये फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है आपका ये फॉर्मूला आपका निकल कर आता है, ये आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा। अब यहां पर इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां पर थीटा वाइब्रेशनल टर्म भी यूज किया जाता है, जरा ध्यान से समझिएगा सब लोग, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पार्ट, समझ गए हैं आप क्वेश्चन को कैसे करना होता है। तो क्यू वाइब्रेशनल का फॉर्मूला ये निकल कर आता है, यहां पर आपके पास अगर आप देखेंगे आगे तो यहां पर एच न्यू क्या है, एच न्यू अपॉन केबी को क्या बोलते हैं वाइब्रेशनल टेम्परेचर, इसको क्या बोलाता है वाइब्रेशनल टेम्परेचर। तो वाइब्रेशनल टेम्परेचर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट टेम्परेचर निकल कर आती है, इस पूरे टर्म की यूनिट टेम्परेचर निकल कर आती है। तो कई बार आपसे क्या कहेगा, कई बार जरा ध्यान से सुनिएगा, कई बार आपसे कहेगा द वाइब्रेशनल टेम्परेचर फॉर अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज दिस, उसकी वैल्यू दे देगा, उस वैल्यू से आप थीटा वाइब्रेशनल निकाल सकते हैं और आपको थीटा वाइब्रेशनल निकल के पता चल गया, मतलब कि आपको एच न्यू अपॉन केबी की वैल्यू पता है। तो यहां पर आप एच न्यू अपॉन केबी की वैल्यू रखेंगे और टेम्परेचर दे रखा होगा और आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हैं। तो कई बार आपसे हार्मोनिक ऑसिलेटर के पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू आपसे पूछेगा और आपको दिया क्या होगा वाइब्रेशनल टेम्परेचर आपको दे रखा होगा। नेक्स्ट बात, आप इस चीज को जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पर दो लिमिट्स में आंसर आता है। पहले लिमिट क्या होगी, अगर टेम्परेचर की वैल्यू थीटा वाइब्रेशनल से बहुत कम है तो उस केस में जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद e की पावर x को एक्सपेंड करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे और उसमें आप इग्नोर करना शुरू करोगे, तो उसके बाद ओवरऑल वैल्यू आएगी q वाइब्रेशनल की, जो फाइनल वैल्यू आएगी एट लोअर टेम्परेचर लिमिट e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2t आती है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आएगा यहां से। सेकंड, अगर आपका हाई टेम्परेचर लिमिट है तो हाई टेम्परेचर लिमिट पर आपकी डायरेक्टली वैल्यू आएगी t बाई थीटा वाइब्रेशनल आपकी यहां पर आती है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, थीटा वाइब्रेशनल की क्यू जो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू ये आती है और एनर्जी की वैल्यू ये आती है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। ये इस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच में आपको अब आप ये बात पता है कि थीटा वाइब्रेशनल का फॉर्मूला ई वाइब्रेशनल का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को अगर इसमें रखोगे क्यू में तो उससे ये आएगा। ये आने के बाद यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसके बाद यहां पर इनकी दो लिमिट्स पर इनके दो अलग अलग आंसर होते हैं, वो आप याद कर लो तो ज्यादा आसान रहता है आपके लिए। बाकी आप जिनको सॉल्व करना होता है, जिन लोगों ने लेक्चर लिया है, वो आप क्या करेंगे यहां पर उनको आसानी से आप उनकी वैल्यू अलग अलग निकाल कर समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकेंड जो मैंने आपको बताया, ये वही ये बात हम लोग समझ गए पहले क्या कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ पर्टिकुलर स्टेट, तो आप क्या करते हैं उस स्टेट के लिए टोटल पार्टीशन फंक्शन से डिवाइड कर देते हैं। तो अभी अभी आपने इससे पहले एक चीज क्या देखी कि अगर आप क्यू वाइब्रेशनल की बात करें तो क्यू वाइब्रेशनल का फॉर्मूला ये निकल कर आया। आपको हायर और लोअर टेम्परेचर लिमिट की बात जब करेगा तब आप इनको यूज करोगे, अगर वो हायर और लोअर टेम्परेचर लिमिट की बात ना करे तो आप इसको यूज करोगे। बात क्लियर समझ में आई, अगर वो आपसे हायर और लोअर, वो तो डायरेक्टली पूछ लेगा हायर और लोअर लिमिट टेम्परेचर के लिए वैल्यू आप ये बताइए, लेकिन अगर आपसे थीटा वाइब्रेशनल के लिए बात कर रहा है, क्यू वाइब्रेशनल के लिए बात कर रहा है, तो वहां पर आपको डायरेक्टली इस फंक्शन को देखना है और यहीं से आगे बढ़ना है। तो यहां पर इसको लेकर अगर आप, ये तो क्या हो गया वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, अब मैं आपसे पूछूं कि वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन एट एनी गिवन पर्टिकुलर वाइब्रेशनल स्टेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर स्टेट से, जरा ध्यान से देखिए, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए लगाना पड़ेगा फॉर्मूला और उसको टोटल, ये जो टोटल पार्टीशन फंक्शन है ये, इससे डिवाइड कर देना पड़ेगा। मतलब आप e की पावर अगर आप इसी में करेंगे तो देखिए जरा ध्यान समझिएगा, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन का फ्रैक्शन निकालना, मतलब आप करेंगे कि पहली स्टेट के लिए, जब जिस स्टेट के लिए बात कर रहा हूं उस स्टेट की डिजेनरेसी आप देखेंगे इनटू e की पावर माइनस। अब इसके बाद जो वैल्यू होती है वो क्या होती है वी प्लस हाफ एच न्यू अपॉन केटी, और फर्स्ट स्टेट के लिए वी की वैल्यू क्या रख दोगे जीरो रख दोगे और फिर इसको पूरे को डिवाइड कर दोगे किससे,
पीछे वाला जो पार्टीशन फंक्शन हम लोगों ने लिए पिछली वाली स्लाइड में देखा, इससे डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने के बाद जो ओवरऑल आएगा तो वो फॉर्मूला ये निकल कर आता है, जिसको आप चाहें तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं और चाहें तो आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो उसे भी याद कर सकते हैं। मतलब कि आपको ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन एनी गिवन पर्टिकुलर वाइब्रेशनल स्टेट। ये वी क्या है, वाइब्रेशनल स्टेट है। किस वाइब्रेशनल स्टेट की बात करी जा रही है, किस वाइब्रेशनल स्टेट की बात करी जा रही है। आई बात समझ में आपको, ये बात क्लियरली समझ में आ गई या नहीं आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो इसके लिए आप डायरेक्टली यहां से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला क्या, ये वाला फॉर्मूला यहां से यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन या ऑफ मॉलिक्यूल या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल सेम बात हो गई आपके पास, 1 - e^-hν/kT (e^-v)/hν/kT। यही फॉर्मूला था ना, देख लीजिए एक बार फिर से आप, यहां पर e^-1/hν/kT (e^-hν/kT। हाँ, तो बस इस फॉर्मूले को आपको यहां पर लगा देना। ये क्या कहना है, ग्राउंड स्टेट के लिए पता करना है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए कहानी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट के लिए v की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। जैसे ही v की वैल्यू जीरो रखोगे तो f की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 1 - e^-hν/kT आएगी, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, e^-0 मतलब 1 हो जाएगा, और hν/kT की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 - e^-3 हो जाएगा, 1 - e^-3 हो जाएगा। और यहां से जो आंसर निकल कर आएगा, यहां से जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, e^-3 - 1/e^3। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसका आंसर सब लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए भाई, सब लोग कमेंट करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए भाई। अरे जो कमेंट फालतू के कर रहे हैं उनको तुम इग्नोर करो। अभी एक स्टेट में एटम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं उसकी बात भी अभी हम लोग करेंगे। हेलो आलोक, हेलो सुबा, हेलो अनमोल, जो लोग लेट आ रहे हैं वो लोग लेक्चर को स्टार्टिंग से देखना। इसका आंसर सब लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा आंसर इसका, सब लोग कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। सब लोग कमेंट करके बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। 0.95, बिल्कुल एग्जैक्टली सही, करेक्ट, 0.95 आएगा, 0.95। देखिए सिंपल सा आंसर था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ही हो गया होगा, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आई लव यू टू आकाश भाई। बिल्कुल 0.95 सबका आ गया ना आंसर, सबको समझ में आ गया ना कि अब किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक थी और हमने शायद मिस कर दी है, वो और मैं आपको बता देता हूँ। बस इतना सा ही है, इतना सा स्टेट अगर आपने पढ़ ली तो इतनी स्टेट में आपका कल्याण हो जाएगा। ये कर लिया हम लोगों ने, ये कर लिया, बाकी सब लोग भी कमेंट करके बताइएगा भाई, ये कर लिया हम लोगों ने, ये भी कर लिया, ये हो गया अपना, ये भी कर दिया आपने, ये भी कर लिया। हाँ हाँ, अब एक बात आएगी आपके पास, अगला एक आपके दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो क्या होता है कि जब भी, अब आपके पास देखिए कुछ चीजें बची हैं, जैसे चीजें क्या बची हैं, सेकुटेट्रोड इक्वेशन और सेकुटेट्रोड इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बचे हैं और प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन बचे हैं, तो उसकी मैं एक और गुड नाइट क्लास लेकर आऊंगा। अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे इस लेक्चर के बाद तो मैं आपको रिप्लाई, मतलब एक दूसरी क्लास के लिए आप सब लोग लेक्चर कंप्लीट होने के बाद कमेंट कर देना तो मैं करवा दूंगा, लेकिन ये एक ऐसी क्लास थी जिससे आप सब कुछ सीख जाओगे। अब देखिए, हाँ जैसे उसमें लिखा हुआ था ना डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, और एक क्वेश्चन आया कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल था, डिस्टिंग्विशेबल, और कहना सर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो एक स्टेट में इन अ स्टेट एटम हो, एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये कंफ्यूजन मैं आप सबको क्लियर कर देता हूं। देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है बोसॉन्स और फर्मियॉन्स का, इसको मैं नेक्स्ट क्लास तो होपफुली कराऊं, वैसे दो पार्ट ही बचे हुए हैं और दो पार्ट में आपको बता भी दे रहा हूं, सेकुटेट्रोड इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन। मतलब आपसे ये कहना कहता है कि 5 बॉल हैं और 3 कमरों में रखनी है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, तो वो सिंपल हो गया।
अरे भाई ठीक है, आई लव यू टू आकाश भाई, भावनाओं को संभाले। हाँ तो बात क्या कर रहा हूं, बोसॉन्स और फर्मियॉन्स का बेसिक खेल होता है। अगर आपसे बोसॉन्स और फर्मियॉन्स बोल दे कि आपके एटम्स क्या है, बोसॉन्स है और फर्मियॉन्स है, तो देखिए इनका बेसिक अंतर इनके बीच में ये होता है कि बोसॉन्स होते हैं मतलब उनके पास जो स्पिन क्वांटम, जो उनकी स्पिन होती है ना, जो उनका स्पिन क्वांटम नंबर होता है, वो एक्चुअली स्पिनलेस होते हैं, या तो स्पिन होगी नहीं, स्पिन की वैल्यू जीरो होगी, या तो स्पिन की वैल्यू इवन में होगी। उससे फर्क क्या पड़ता है, उससे फर्क ये पड़ता है कि ये एक ही स्टेट में कितने भी एटम रह सकते हैं, एक ही स्टेट में कितने भी बोसॉन्स रह सकते हैं। लेकिन अगर बात करें फर्मियॉन्स की, तो फर्मियॉन्स का मतलब होता है इनकी स्पिन कितनी होती है, हाफ होती है, और जिनकी स्पिन हाफ होती है उन पर आपका क्या लग जाता है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सेम एग्जैक्ट क्वांटम नंबर के सेम एग्जैक्ट एटम्स एग्जैक्ट एक ही स्टेट में नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए वहां पर क्या करते हैं, कोई भी दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स को सेम स्टेट में नहीं रखा जा सकता है। तो ये एक लास्ट पॉइंट है जो आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, कभी भी आपके पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आए और नॉर्मल आए तो डिस्टिंग्विशेबल कहे, तो इसका मतलब है आप एक ही स्टेट में, अगर आपने तीन, अगर देखिए पहले आपसे अगर फर्मियॉन्स और बोसॉन्स के बारे में बात ना करें, ध्यान से ये बात समझ लीजिएगा, लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, इससे पहले ये लास्ट ही कंफ्यूजन है आपके दिमाग में। अगर वो आपसे सीधा पार्टिकल पार्टिकल बोल के खेल रहा हो और वो बोले डिस्टिंग्विशेबल है तो आप एबीसी यूज करोगे, अगर वो कहें इनडिस्टिंग्विशेबल तो आप ए यूज करोगे, ये सबसे सिंपल तरीका है। लेकिन थ्री बोसॉन्स और थ्री फर्मियॉन्स बोले तो बोसॉन्स का मतलब हो गया कि एक स्टेट में एक ही एटम, एक से ज्यादा एटम आप रख सकते हो, एक स्टेट में एक से ज्यादा एटम रख सकते हो, और अगर आपसे फर्मियॉन बोल दे तो एक स्टेट में सिर्फ एक ही एटम आएगा, बस इतना ही आपको समझना था बस। क्लास का टाइम हर्षित गुप्ता, क्लास अब आप स्टार्टिंग से पूरी क्लास देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी ये, गेट के लिए क्वेश्चन आपका सबका होपफुली हो जाना चाहिए जितने मैक्सिमम, बाकी जिन लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ी रखा होता है वही हर टाइप के क्वेश्चन कर पाते हैं। हर्षित गुप्ता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा लेक्चर ही है, इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, ऐसा कुछ उसमें रिपोर्ट करने वाली बात नहीं, बाद में पूरा लेक्चर घुमा के स्टार्टिंग से देख लेना, ठीक है। बताइए भाई सैली राणा कह रहे हैं लास्ट स्टेप बता दो, लास्ट स्टेप कहाँ का एक बार क्लियर कर दीजिए, लास्ट स्टेप बता दो तो मैं लास्ट स्टेप बता दूंगा। इस वाले पार्ट में कुछ नहीं करना है, यहां पर आपके पास थीटा वाइब्रेशनल दे रखा है, इसको इसकी ग्राउंड स्टेट के लिए आप क्यू की वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए मैं निकाल के लिख देता हूं यहां पर। अगर मान लो क्यू या फिर ग्राउंड स्टेट के लिए आप निकालोगे तो ग्राउंड स्टेट के लिए आपकी ई की पावर माइनस वन बाई टू, क्योंकि वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो प्लस वन बाई टू एच न्यू अपॉन के टी और डिवाइडेड बाई दिस, डिवाइडेड बाई दिस। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद जो आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा वो ये फॉर्मूला निकल कर आएगा, इसी फॉर्मूले को आपको डायरेक्टली यूज करना था आपके गेट 2018 के क्वेश्चन में, ठीक है। सो दीज विल बी द क्वेश्चन दैट विल गिव यू अ डिफरेंट रैंक एंड दैट विल, यही वो क्वेश्चन होंगे जिनको आप करोगे तभी आपका ओएनजीसी में होगा, नहीं तो गेट का तो बस देते तो बहुत लोग हैं, देते तो बहुत लोग हैं, उसके कोई फर्क खास पड़ता नहीं है। हाँ लास्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप बता दिया मैंने अभी अभी बताया, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए रिजिड रोटर, हाँ हाँ अच्छा अच्छा ये रह गया था ना, हाँ ये रह गया। अब देखो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन भी देख लो, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए आपको रिजिड रोटर बोल देता है, रिजिड रोटर के लिए उसकी एनर्जी और उसकी डीजनरेसी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो अभी यहां से नोट कर लेना। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए जो ई की वैल्यू होती है रिजिड रोटर के लिए वो ये होती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहां पर इसके लिए जो डीजनरेसी होती है वो ये होती है, ठीक है। डीजनरेसी क्या होती है, ये होती है यहां पर आपके पास रिजिड रोटर, ये आपसे यूज कर रहा है। अब इसको आप इस फॉर्मूले में रखोगे, ऐसे ऐसे फॉर्मूले में रखोगे और रखने के बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसका जो एक पार्ट है वही आप समझ लीजिए, क्योंकि दूसरा पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है और काफी बड़ा समझने वाला है, क्योंकि इसमें लीनियर नॉन लीनियर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो इस लेक्चर में नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये मोटा मोटी बात याद रखनी है कि रिजिड रोटर के लिए जो डी जनरेसी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, टू जे प्लस वन होती है, जे की वैल्यू जीरो वन टू थ्री हो सकती है, E की वैल्यू जे जे प्लस वन एच कट अपॉन टू आई होती है, क्यू रोटेशनल आप यहां से रखोगे तो क्यू रोटेशनल को यहां रखने के बाद हाई टेम्परेचर लिमिट पर उसकी वैल्यू ये आती है। यहां पर सिग्मा क्या है, सिग्मा है कुल मिलाकर प्लेन ऑफ सिमेट्री एक तरीके से कह सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे CO2 की बात करूं तो CO2 के लिए सिग्मा की वैल्यू दो होगी,
ठीक है, अगर आप मैं आप बात कर लो एन टू ओ जो कि नॉन लीनियर, अगर आपके पास लीनियर होगा तो उसकी वैल्यू 1/2 और नॉन लीनियर होगा तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी 1 आती है। और रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन में ही तीन टर्म यूज किए जाते हैं, सिमेट्रिक टॉप, असिमेट्रिक टॉप, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो वर्ड्स आपको पूरा वो लेक्चर बहुत इसमें काफी अंदर जाने के लिए आपको काफी कुछ मुझे समझाना पड़ेगा, तो मैं होपफुली कभी दोबारा मिलेंगे। ये एक ऐसी क्लास मैंने कराई है जिसमें आपको मैक्सिमम हर टाइप की चीजें करना आ जाए, बस ये मेन एम था। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काइनेटिक्स, ये चार चैप्टर्स आपको अलग कर देंगे। अक्षय थैंक्स टू यू फॉर स्टडिंग केयरफुली, क्वालिटी कंटेंट मैट केम के चैनल और पढ़ा रहता है, वही है कि ढूंढ नहीं पाते हो आप लोग, कोई बात नहीं। सैली राणा मैंने बताया ना लास्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप बताया, तो अभी लास्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप बताया मैंने आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ भाई, ये आपके पास पार्टीशन फंक्शन है, ये आपके पास कहाँ गया, ये आपके पास वाइब्रेशनल पार्टी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए फॉर्मूला एनर्जी का ये होता है, उसके लिए क्यू वाइब्रेशनल आप ऐसे निकालोगे तो इसकी वैल्यू जब रखोगे पूरे फंक्शन में जैसे निकालते हुए आने स्टार्टिंग से समेशन लगाकर 1 2 3 फिर उसके बाद उसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करने के बाद क्यू वाइब्रेशनल की वैल्यू ये आएगी आपकी, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर के लिए मैंने बताई दी। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक पहली स्टेट के लिए जो निकालते हैं ना GI G1 into E^(-E1/KT) तो वो आप मैंने ये लिख दिया आपके लिए, और उसको डिवाइड कर दोगे इस वाले टर्म से यहाँ नीचे, तो इसको यहाँ पर रखने के बाद इस पूरे टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला आएगा, और इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर इसने क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इट्स ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पर जब ये जो वी है ना ये वी बताएगा किस स्टेट के बारे में आप पता कर रहे हो, अगर ग्राउंड स्टेट की बात करा तो वी की वैल्यू 0 रख दो, अगर फर्स्ट स्टेट के लिए बात करा तो वी की वैल्यू 1 रख दो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है इनसे आप समझना है, वी की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकती है, तो जिस भी स्टेट के लिए रख कहे उस स्टेट की वैल्यू यहां पर रख देना, और HV/KT की वैल्यू आपको दे रखी है तो उसको आप सॉल्व करोगे, यहां पर ग्राउंड स्टेट के लिए वी की वैल्यू मैंने यहां पर 0 रख दी, तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, E^-0 या फिर E^0 वो 1 हो गया, तो इसका मतलब है सिर्फ ये पार्ट बचा, तो 1 - E^HV/KT बचा, HV/KT की वैल्यू 3 दे रखी है उसने, तो 1 - E^-3 हो गया, देखिए -HV/KT है ना, तो HV/KT = 3 इसका मतलब E^-3 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए यहां पर E^-3 को नीचे ले जाओ, E^-3 को तो क्या हो जाएगा 1 - इसको भैया मैं और क्लियरली लिख देता हूं, यहां पर मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं यही हो जाएगा 1 - 1/E^3। अब इसका एलसीएम ले लो तो एलसीएम लोगे तो E^-3 - 1/E^3 फिर इसको सॉल्व करोगे 0.95 आंसर आ जाएगा। जैम की प्रिपरेशन का टाइम क्या है, जैम की प्रिपरेशन का टाइम आप पूरे दिन पढ़िए, पूरे दिन आपके पास टाइम है जैम की प्रिपरेशन के लिए, यूट्यूब पर जो भी क्लासेस होंगी वो क्लासेस पर डे क्विज होगा मैटकेएम के चैनल पर, और पर डे गुड नाइट क्लास होगी, गुड नाइट क्लास 8 बजे या 9 बजे होगी और क्विज 3 बजे या 4 बजे होगा, तो क्विज आप करिए वहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपको करने के लिए, और शाम को गुड नाइट क्लास करिए जहां से आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सर्ट भी मिलेंगे, ये 2 क्लासेस मैटकेएम के यूट्यूब चैनल पर लगातार पर डे चलती रहेंगी। शैलेन तिवारी मैंने आपको बता दिया, टाइम बता दिया मैंने, थोड़ा और क्वेश्चन कराने का ट्राई करिए, इट्स मेक्स लेक्चर मोर इंटरेस्टिंग। हाँ तो एनीवे क्वेश्चन मैंने जितने टाइप के थे ना वो मैंने क्वेश्चंस यहां पर करवा दिए और क्वेश्चंस कराने के लिए, और अब इसमें क्या है थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो, कितने भी क्वेश्चन कर लो कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना क्वेश्चन करने के लिए, अब इसका क्विज देख करवा देंगे तो क्विज में आप समझ जाओगे। सर इक्विलिब्रियम गेट के लिए रिवीजन करा देना, बिल्कुल अंकित गुड नाइट क्लास अभी कुछ दिनों में कराई जाएगी तो इक्विलिब्रियम करवा लेंगे उसमें, ठीक है। तो बताइए भाई स्टैट के क्वेश्चन सब कर लोगे ना सब लोग, अब सब लोग स्टैट के क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे, अब जिसने चैप्टर पढ़ा होगा वो तो पूरे ही कर लेगा, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा वो इस लेक्चर देखने के बाद वो स्टैट के क्वेश्चन तो करने ही लगेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको स्टैटिस्टिकल से डर लगता हो। शैलेन तिवारी अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो मैटकेएम के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर में आप जाने के बाद मैटकेएम क्लासेस सर्च करेंगे तो मैटकेएम क्लासेस, या फिर मैं आपको एक दूसरी चीज यार, जैसे आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा यार बेसिक से पढ़ने के लिए, आप 7 या फिर मैटकेएम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मैटकेएम
ऐप गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, मैटकेम क्लासेस के नाम से होगा, सेम जैसे यूट्यूब का नाम है और जैसे यूट्यूब में सिंबल बना हुआ है उसी सिंबल के साथ। चलिए भाई, नेहा कब स्टार्ट हुआ क्लास? नेहा काफी लेट आई हो, बहुत ज्यादा लेट आई हो, खत्म हो गई क्लास। क्लास स्टार्ट हुई थी 8:30 बजे, कोई बात नहीं, वीडियो स्टार्टिंग से देख लेना। जिन लोगों ने भी क्लास मिस कर दी वो लोग स्टार्टिंग से पूरी वीडियो को जरूर देख लेना, सब लोग देख लेना, सब लोग देख लेना, सब लोग जरूर देख लेना, ठीक है। सर कमेंट पढ़ लीजिए, राघव क्या कह रहे हैं, राघव क्या कह रहे हैं, राघव का कमेंट कहाँ गया, शैलेंद्र राघव कमेंट तो पढ़ लिया आपका, आप इससे पहले क्या बोले वो मैं समझ नहीं पाया। मैडकैम क्लासेस का ऐप गूगल प्ले स्टोर में, मैडकैम क्लासेस का ऐप अवेलेबल है, वो फ्री नहीं है, वहां पर आपको डेडिकेटेड 10-15 टीचर पढ़ाते हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं, रेगुलर असाइनमेंट सॉल्व कराते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो पूरी ऑनलाइन कोचिंग है वो, वहां पर हम प्रोवाइड कराते हैं मैडकैम में। बताइए भाई, इसके अलावा कोई सवाल? समझ गए सब लोग, सीख गए, जो लोग लेट आ रहे हैं वो लोग लेक्चर को स्टार्टिंग से देख लेना। सर नाइट सीरीज को 8 PM पर स्टार्ट कर दिया करो, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, हो गया, 8 बजे 9 बजे 8 बजे शिफ्ट करते रहेंगे, कल वाली 8 बजे ही होगी, ठीक है। सर आप ऐप बता दो, ऐप है मैडकैम क्लासेस, मैडकैम क्लासेस, ठीक है, मैडकैम क्लासेस, ऐप है मैडकैम क्लासेस, ये लो भाई। ऐप लिंक भी डाल दिया मैंने हाथों ही हाथ। थैंक यू एनी, ठीक है, हाँ क्लास खत्म हो गया, जो लोग लेट आए हैं वो लोग क्लास को फिर से स्टार्ट करके पूरा लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।